Hello everyone, I am Umang and I'm founder of Khadi Ji. Khadi Ji is a combination of two words, Khadi and digital. So we are a textile company enabling artisans through technology. Khadi, as you all know, is a process of making fabric. Anything which is hand spun and hand woven is Khadi. हम लोग सिर्फ खादी के साथ ही काम नहीं करते हैं, हम खादी के साथ हैंडलूम के साथ भी काम करते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस है खादी और हैंडलूम में। लोग बोलते हैं खादी और हैंडलूम एक जैसा है, पर वो एक जैसा नहीं है। जो भी कपड़ा चरखे पे बना है वो खादी है, और जो कपड़ा मिल के धागे से बना है वो हैंडलूम है। और यही डिफरेंस, यही क्वालिटी हम लोगों को बताना चाहते हैं। इस आइडिया की शुरुआत हुई 2015 में। मैं निफ्ट में एक शॉर्ट टर्म कोर्स कर रही थी, निफ्ट भोपाल में, और वहाँ काम पढ़ते पढ़ते, इट वाज जस्ट 3 मंथ्स इन माय कोर्स, और एक अपॉर्चुनिटी आई मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की तरफ से कि आप एक कलेक्शन बनाइए, होम कलेक्शन बनाइए इन एनी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, एंड यू नो देन वील गिव यू सम अवार्ड एंड प्राइज। तो हम लोगों ने भोपाल से 3 लोगों ने मिलकर एक एंट्री भेजी जिसमें हमने खादी के ऊपर डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस की, एंड दैट टाइम दैट्स वाई वी कॉल्ड आर कलेक्शन खादी जी, दैट वी डिड डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस ऑन खादी। फॉर दैट पर्टिकुलर कलेक्शन हमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स द्वारा 2nd prize नेशनल लेवल पर दिया गया, एंड दैट इज़ हाउ खादी जी वॉज बॉर्न। एक खादी के 1 मीटर कपड़े बनाने के लिए करीबन 12 परिवारों को नौकरी, मतलब जॉब मिलता है। किसान से लेके वो इंसान जिसने वो कतिन, जिसने से कता है, मतलब धागा बनाया है चरखे पे, बुनकर जिसने इसकी बुनाई की है, सो लाइक दैट देर आर 12 फैमिलीज विच आर इन्वॉल्व इन मेकिंग 1 मीटर ऑफ फैब्रिक। एंड वेन यू से दैट यू हैव बॉट 1 मीटर ऑफ फैब्रिक, यू हैव एक्चुअली गिवन एम्प्लॉयमेंट टू दोज 12 फैमिलीज। And that's the empowerment, that's the real empowerment that we need as a country. हमारे देश में करीबन 43 million weavers हैं, बुनकर हैं, जो कि हाथ का काम जानते हैं। So we are a textile company enabling artisans through technology. So that's the whole idea of Khadi Ji. It's an amalgamation of new and old all together. But why Khadi? I mean, why I stood by that concept for so long? It was 2015. I am in 2020. The other two people who participated me are not part of this concept. But the idea of Khadi. So it is said that Khadi is not just a fabric. It's a thought process, the complete thought process. A country like India, जहाँ पे करीबन 10 करोड़ artisans हैं, not just weavers, but all sorts of craft persons. मैं एक बहुत ही छोटे से गांव में पैदा हुई, किशनगंज में। किशनगंज बुंदेलखंड में एक दमोह डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है। तो जब मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी गई, तो मुझे एक चीज़ जो बहुत क्लियरली पता थी कि मुझे दिल्ली में नहीं रहना है, मुझे वापस अपने गाँव जाना है, मुझे वापस गाँव जाना है और उनके लिए करना है जिनको मेरी ज़रूरत है। मैं गांव वाली हूँ और मैं ये बहुत ही प्राउडली बोलती हूँ, मेरे पासपोर्ट पे लिखा है मेरे, मतलब यू नो लाइक आई ऑलवेज से आई एम अ सर्टिफाइड गांव वाली। आई डोंट से दैट आई एम फ्रॉम भोपाल और दिल्ली, आई एम फ्रॉम किशनगंज एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड आई एम फ्रॉम बुंदेलखंड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। आई स्टार्टेड गोइंग टू द विलेजेस जहाँ पे खादी बनती है, और ऐसी एक गांव में मैं बैठी थी एक महिला के साथ, और उनका शायद इस घर इस
शोरूम बराबर एक छोटा सा घर था, उस घर में करीबन 4 चरखे रखे हुए थे और मैं उनसे बात कर रही थी कि आप खादी कब से बना रही हैं, चरखा कब से चला रही हैं, एंड शी इज़ वेरी पोलाइटली गिविंग ऑल आंसर्स यू नो एंड स्पिनिंग इन फ्रंट ऑफ मी लाइक यू नो शी इट्स लाइक इन हर. ऐसा होता ना, कई चीज़ें आप लोगों से बातें करते करते भी करते रहते हैं. और मैं उनको बहुत परेशान कर रही थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मेरे सवाल थे, एंड उन्होंने मेरे सारे सवालों का आंसर दिया. उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आप उस वॉल पर देखिए, एंड आई सेड ओके, एंड देयर वाज दिस वन अवार्ड, एंड शी सेड डू यू सी व्हाट इट इज़. मैंने कहा हाँ, ये एक नेशनल अवार्ड है. तो बोलती हैं कि उन्होंने बहुत ही, मतलब कहते ना, बहुत ही सरल स्वभाव में बोला कि अगर मैं खादी के साथ इसलिए जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मैंने कताई करके नेशनल अवार्ड जीता है, तो अगर मैं किसी का इन हाथों से ताजमहल भी बना दूं तो मुझे नेशनल अवार्ड नहीं मिलेगा. मेरे घर में बैठ के मैंने कताई की और देश के प्रेसिडेंट के घर में जाके नेशनल अवार्ड लिया. एंड दैट्स आई थिंक दैट वॉज द डे आई रियलाइज्ड, आई ऑलवेज गेट गूज़बम्स व्हेन आई टेल द स्टोरी, बट दैट वॉज द डे आई रियलाइज दैट दिस इज इट. आई थिंक देर इज नथिंग एल्स दैट कैन एम्पावर अ वुमन मोर देन आई थिंक खादी. उसके पास एक स्किल है, वो अपने घर को चला रही है, बट ऑल्सो शी हैज़ आइडेंटिटी. आई मीन हैविंग अ नेशनल अवार्ड, अर्निंग ओनली 6,000 रुपीज पर मंथ, बट दैट आइडेंटिटी इज गिविंग हर दैट सेटिस्फैक्शन. सो मुझे लगा कि दिस इज़ वॉट इट इज़. आई मीन मुझे मिलियन डॉलर बनाने की ज़रूरत, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं व्हेन खादी इज गोइंग टू बी अ बिलियन डॉलर स्टार्टअप, एंड आई ऑलवेज सेड दैट इट इज़ नेवर गोइंग टू बी अ बिलियन डॉलर स्टार्टअप, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ मिलियन जॉब गिविंग स्टार्टअप. And that's what my idea is. You know, I've not started this for myself. I have started this for those 10 crore people who live in this country with skill, with traditional skill, and have no jobs. They have to work on construction sites. They have to work in somebody's farm. And I don't disrespect farmers, but they are not doing what they are supposed to do. They are certified skilled people. They can't be regarded as unskilled, they can't be regarded as unemployed. So khadi ji ka sirf ek hi goal hai, aise logon ko job dena, unko unki skill ke. So the vision of our company is to give employment, dignified employment to the skilled people of this country, and also give them fair wages, make a product which is eco-friendly, and give them regular employment. So khadi ji agar kisi artisan ke sath kaam karta hai to wo ye nahi hai ki humne ek mahine kaam kar liya aur hum usko glorify kar rahe hain. We make sure that we give them at least 10 month of skill based employment, and that's what we do. I think all about the process, but hum banate jo hain wo kapda hai. So you see lot of these fabrics here. These fabrics are all eco friendly, they are all sustainable. You can draw the supply chain of these fabrics. तो ये किस खेत में उगा, यू नो, बी इट कॉटन और अदर बैम्बू एंड अदर थिंग्स, एंड किस स्पिनर ने उसे स्पिन किया, किस वीवर ने उसे वीव किया, ये सारी प्रोसेस हमारी सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंट है. वी आर वर्किंग ऑन अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम अपने फैब्रिक के साथ एक QR कोड देंगे. यू जस्ट हैव टू स्कैन दैट QR कोड, यू विल एक्चुअली गेट टू सी द होल सप्लाई चेन. तो ये किस गांव में इसका कॉटन उगा था, किस गांव में किस स्पिनर ने इसे वीव किया, स्पिन किया था, किस वीवर ने इसे वीव किया है, कहाँ, कैसे, एवरी थिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. दैट्स द काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी वॉन्ट टू गिव टू द पीपल, एंड दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू एम्पावर द कस्टमर टू मेक द डिसीजन. वैन वी से यू नो वी आर अ सस्टेनेबल कंपनी, we don't have to say it. The QR code, you are going to scan it and you are going to read it and see it yourself. So that is how we are going to empower the customer also to make the right decision. When you say this is handloom, yes, it is handloom. When you say it is sustainable, yes, it is sustainable. So the idea is to empower everyone in the whole supply chain, in the value chain of this product. And I think till now, agar main bolun pichle 5 saal ki journey mein, the biggest achievement is of course the artisans who are working with us. 1000 plus families work with us with khadi ji, and even during lockdown we have been supporting our artisans and you know giving work to them in form of whatever we can do. And also we got some you know worldly famous awards. I was listed on Forbes 30 under 30 Asia list under the social entrepreneurs category, and that was in a very difficult day, I would say.
a day before I was crying and I was thinking, what have I done in my life, and you know, where have I reached, and there were so many problems. And then one day I wake up and I'm in Forbes 30 under 30 list. So that was the day I realized that nobody becomes this successful person overnight. There's a journey and there will always be a journey, and we are all here for the journey. And I think I'm enjoying the journey. I've received multiple awards, but I think the biggest award is definitely when I go to my artisan's place and my weaver, she comes up to me and she shows me that, you know, this is a sari I have bought for myself. So we want to really give jobs to 1 million people by the end of 2025, and that's where we are heading to. And this is the right time, I mean, because everybody is jobless and we want to give jobs to them. And that's how we see ourselves, like Khadi ji will give jobs to 10 lakh people in next 5 years. And period. So yeah, thank you. हमारे इस प्रयास को अपना साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाएं।